नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस ने नीट पर सीबीआई जांच की मांग की है। नीट को लेकर कांग्रेस ने की है सीबीआई जांच की मांग। बता दें कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का आरोप है कि एनटीए ने ही स्कैम किया है। कांग्रेस का कहना है कि एनटीए की जांच को निष्पक्ष नहीं मान सकते। गोगोई ने कहा है कि नीट में गड़बड़ी के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बात करने से भाग रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे पर घेरा और कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। बड़ी खबर, कांग्रेस ने नीट मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है, कहा है संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ उसी को जांच करने की जिम्मेवारी दे दी। जिस एनटीए के नेतृत्व में यह पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो यह किस प्रकार का ठोस कदम हुआ?